सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय। हाँ, मेरा नाम शिवनाथ तिवारी है, मैं फूलपुर का रहने वाला हूँ। मैं भी पूजा समिति में ही हूँ। पूजा समिति में? हाँ, हम लोग सब साथ में काम करते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि भगवान करे कि सबके दिमाग में थोड़ा शांति आए, कि भावना हट जाए और शांति से सब त्योहार प्रेम पूर्वक सब कोई मिला के लगा। मैं कौमियल बात नहीं कर सकता हूँ। दीपावली और छठ पूजा पे शहरवासियों का क्या संदेश है? नहीं, संदेश है कि भगवान करे कि सबके घर में शांति और शुभकामना हम सबके लिए अपनी तरफ से, सुरक्षित मनाए, खुशहाल रहे, खुशहाल हर परिवार के साथ शांति रहे, खुशहाल रहे, यही मैं चाहता हूँ इसी के लिए। और साथ ही साथ सर, आज जो हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए एक दीप शहीदों के नाम, पिछले 2-3 वर्षों से ये कार्यक्रम अब जो है कार्यक्रम चलता आ रहा है। अच्छा। और इनके 12 जून इनके जो अब इनका शहीद दिवस है उस हिसाब से भी मनाया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी हम लोग एक दीप शहीदों के नाम करते हैं सब लोग, तो इस इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो है कि ये हमारे कंट्री के लिए और हम लोगों की सुरक्षा के लिए इन्होंने अपना जान दिया है, पूरे देश के लिए, कंट्री के लिए, मैं पूरे देश के लिए कह रहा हूँ, इन्होंने अपना जान दे के हम लोग को सुरक्षित किया है, तो हम तो इनको नमन करेंगे ही करेंगे। तो इसमें कोई कमी अगर कोई रोक लगाएगा तो ये गलत है, इस पे बैनर नहीं लगना चाहिए कि ये, ताकि लोगों को पता चले कि किसका स्मृति हम लोग यहाँ पे स्थापित करवाए हैं। पॉलिटिकल रूप ना था, पॉलिटिकल रूप आना चाहिए कि ये सब नहीं होना चाहिए सबके लिए। इसके लिए भी हम लोग बात की है कि अब आएंगे से बैनर अगले साल से, तो उम्मीद है कि हम लोग भी इसको बैन करवाएंगे ही करवाएंगे। एक छोटा सा संदेश सर, शासन प्रशासन सरकार को शहीदों के प्रति, शहीदों के परिवार के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके वादे कभी कभी अधूरे रह जाते हैं सरकार की तरफ, तो अधूरा रह ही जाता है सरकार की तरफ, लेकिन ये तो होना चाहिए कि कम से कम उसको भी उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो भी पॉलिटिक्स में है, तो वो भी इंडिया के अंदर है, उनकी सिक्योरिटी भी तो वो हमारी सेना कर रही है, तो ये सब सही है। मैं मनाता हूँ, भगवान करे पूरे कंट्री के लिए। मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि घर में सबका सुख शांति रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, जैसा कि देख रहे थे कि अमर शहीद हरदेव संघर्ष मंच नालंदा आज यहाँ पे एकत्रित होकर के एक दीप शहीदों के नाम दीपावली के शुभ अवसर पर 31 अक्टूबर 2024 को सभी लोगों ने एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया और काफी सफल रहा प्रोग्राम। और कुछ हमारे पंडाल पूजा बिहार शरीफ को पूजा समिति के हमारे साथी भी रहे, तो उन्होंने भी पूरे शहरवासियों को दीपावली और छठ पूजा का हार्दिक शुभकामना देते हुए सभी को खुशी से अपने परिवार के साथ पर्व और त्योहार मनाने के लिए आग्रह किया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। चलिए, धन्यवाद। अमर रहे, 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 शहीद हो रहे, अमर रहे, अमर रहे।